नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं एक शॉर्ट स्टोरी लेकर आया हूँ। मोरल स्टोरी तो नहीं बोलेंगे, शॉर्ट स्टोरी बोल सकते हैं इसको। स्टोरी में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ, क्योंकि छोटी स्टोरी है तो बहुत ज़्यादा हमको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का। तो जो एकदम बिगनर लेवल के होते हैं ना, जो बिल्कुल भी अभी स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांसलेशन करना, उनके लिए खास तौर पे स्पेशली ये क्लास होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो टाइटल है वो है व्हाट पनिशमेंट। व्हाट, वैसे व्हाट यानी क्या भी होता है, कौन सा को भी हम व्हाट कहते हैं। कौन सा, पनिशमेंट का मतलब होता है दंड, सजा। कौन सी सजा, चलिए देखते हैं। अकबर बीरबल की स्टोरी बहुत ही अच्छी होती है। वंस किंग अकबर आस्क्ड, एक बार राजा अकबर ने पूछा। देखिए आस्क्ड, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी प्रश्न पूछ रहा है, और एक आस्क्ड यानी होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना। तो एक बार राजा अकबर ने पूछा, समबडी, समबडी यानी कोई है ना, या किसी का, हैड डेयर टू पुल माई मस्टैस। मस्टैस यानी होती है मूछ। चलिए यहां पे देखते हैं, हैड डेयर टू पुल माई मस्टैच। हैड डेयर यानी कि यहाँ के आप देख रहे हो कि यहाँ पे हैड लगा हुआ है, डेयर का थर्ड फॉर्म डेयर्ड। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हैड, समबडी हैड डेयर्ड, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, डेयर का डेयर्ड हो गया। तो यहाँ पे टू पुल यानी खींचने की, डेयर यानी क्या होती है, किसी की, मतलब हम बोल सकते हैं किसी की हिम्मत है ना, हिम्मत, किसी को जरूरत ऐसे बोलते हैं, वो होता है। तो इसका यहाँ पे सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि पूछा कि यदि है ना किसी ने मेरी मूंछ खींचने की हिम्मत की, किसी ने मेरी मेरी मूंछ खींचने की हिम्मत की, व्हाट पनिशमेंट शुड आई गिव हिम। व्हाट यानी क्या या कौन सी पनिशमेंट, सजा, शुड आई, आई शुड मुझे चाहिए, शुड आई क्या मुझे चाहिए, तो हम यहाँ पे इंट्रोगेटिव बन गया क्योंकि शुड को पहल लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब पहल लगता है, तो क्या ऐसे बन जाता है ना। शुड आई गिव हिम, तो मुझे क्या सजा देनी चाहिए, कौन सी सजा देनी चाहिए। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो एक बार अकबर ने पूछा कि यदि किसी किसी ने मेरी मूंछ खींचने की जरूरत की या हिम्मत की, तो उसे मुझे कौन सी सजा देनी चाहिए, मान लो कोई खींचता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा है, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस हो गया। ठीक है, क्लियर है। लेकिन हैड पहले लग के यहाँ पे आप देख रहे हो, समबडी हैड डेयर्ड, किसी की हिम्मत हुई तो फिर मेरी मूंछ खींचेंगे तो क्या होगा, समबडी हैड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। चलिए अब देखते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया, पूरा डिटेल में समझ आ गया। शुड, जब हम किसी से एडवाइस देते हैं लेते हैं तो हम शुड का यूज़ करते हैं कि शुड आई गिव, मुझे क्या करना चाहिए। शुड है, यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो हम शुड का यूज़ करते हैं एडवाइस देते हैं। तो पूछा भाई क्या करना चाहिए यदि किसी की हिम्मत होती मेरी मूंछ खींचने की। अकबर आस्क्ड दिस क्वेश्चन विथ ऑल ऑफ हिज कोर्टियर्स। अकबर ने आस्क्ड पूछा दिस क्वेश्चन, इस सवाल को, विथ यानी साथ में, ऐसे विथ ऑल यानी सभी के साथ, ऑफ हिज कोर्टियर्स, अपने अपने कोर्टियर्स यानी होता है दरबारियों के साथ, तो दरबारियों से, सभी दरबारियों से पूछा। विथ यानी से भी होता है साथ भी होता है, तो सभी दरबारियों से ये क्वेश्चन पूछा कि भी बताओ यदि किसी की हिम्मत हुई मेरी मूंछ खींचने की तो क्या सजा देनी चाहिए। वन बाय वन, इसका मतलब होता है एक के बाद एक। दे सजेस्टेड, तो दे यानी वे भी होता है उन्होंने, उन्होंने सजेस्टेड सेकेंड फॉर्म है, तो पास्ट इनफिनिट टेंस हो गया। उन्होंने सलाह दी है ना, पास्ट टेंस, उन्होंने सलाह दी। वेरियस काइंड ऑफ पनिशमेंट्स, वेरियस यानी विभिन्न, कई प्रकार के, काइंड यानी तो प्रकार, वेरियस काइंड यानी कई प्रकार के, ऑफ पनिशमेंट यानी दंड के कई प्रकार, अलग अलग प्रकार के दंड का, सजा का उन्होंने सुझाव दिया कि आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। देखिए क्या क्या करना चाहिए। गेट हिम ट्रैम्पल्ड अंडर एन एलिफेंट्स फीट, सजेस्टेड वन, तो सजेस्टेड वन यानी उसमें से एक ने सुझाव दिया। गेट हिम ट्रैम्पल्ड, तो यहाँ पे आपको देख रहे गेट हिम ट्रैम्बल, तो इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे गेट का यूज हुआ है तो एक पॉजिटिव वर्ब की उसे करवाओ, आप नहीं करो, किसी से कुछ करवाना, तो हम वहाँ पे गेट का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मेक का यूज़ होता है, गेट का यूज़ होता है, हेल्प का बहुत सारा यूज़ होता है। आपने पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में वीडियो भी मैंने बनाया है। गेट हिम ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड का मतलब क्या था, कुचलवा देना, उसे कुचलवा दो है ना, उसे कुचलवा दो यानी किसी और से करवा दो,
तो किसी और से कुछ काम करवाए तो गेट का यूज करें, पॉजिटिव वर्ब। अंडर यानी नीचे, एन एलिफेंट्स एक हाथी के, अपॉस्ट्रोफी काकी के, तो एक हाथी के फीट यानी पैर, तो हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो। एक ने सलाह दी, उसने पूछा था ना क्या क्या सजा देनी चाहिए, एक ने कहा कि हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दो। द अदर सेड, दूसरे ने कहा, अदर यानी अन्य या किसी और ने, दूसरे अदर बोलते हैं, दूसरे ने कहा कट ऑफ द हैंड्स ऑफ द पर्सन हु डेयर टू डू सच थिंग। कट ऑफ, कट ऑफ यानी होता है काट देना, काट के अलग कर देना शरीर से, उसे कट ऑफ बोलते हैं। द हैंड्स यानी हाथों को काट दो, ऑफ द पर्सन उस व्यक्ति की, हु यानी कौन है, जिसकी, तो यहाँ पे जिसकी, डेयर्ड हिम्मत हुई, टू डू वैसा करने का, सच यानी ऐसा, थिंग यानी चीज, ऐसी चीज करने की जिसकी हिम्मत हो, है ना, उसके दोनों हाथ कटवा दीजिए। क्या कर दो, दोनों हाथ कटवा दो, हाथ काट दो, काट के अलग कर दो। एक ने हाथ काटने का, एक ने बोला हाथी के नीचे कुचलवा दो। अनदर एडवाइज्ड पुट हिम टू डेथ, अनदर यानी दूसरे ने एडवाइज्ड सलाह दी, पुट हिम टू डेथ, इसका मतलब क्या होता है, हम जैसे बोलते हैं ना उसे मौत के घाट उतार दो, वैसी उसे मार डालो, उसे मौत के घाट उतार दो। बीरबल व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट डू यू सजेस्ट, तो बीरबल से अकबर पूछ रहे, बीरबल व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट यानी किस प्रकार की सजा डू यू सजेस्ट, डू यू तुम करते हो, है ना, डू का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जब हम निगेटिव बनाते हैं तो डू नॉट का यूज होता है, और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू सब्जेक्ट के पहले लग जाता है, तो डू यू सजेस्ट यानी तुम करते हो, सजेस्ट यानी सलाह देना, तुम कौन सी सलाह देते हो कि हमें किस प्रकार की सजा देनी चाहिए, कौन सी सजा देनी चाहिए। अब बीरबल से पूछ रहे, बाकी ने तो अपनी अपनी सलाह दे दी, ऐसे मारना है, वैसे मारना, कुचलवा दो, काट दो। बीरबल स्माइल एंड आंसर्ड, बीरबल मुस्कुराया, पास्ट टेंस है यही पे, बीरबल स्माइल्स ऐसे होता तो बीरबल मुस्कुराता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता, स्माइल लग गया, बीरबल के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस, जहां पे दिया, लिया, किया, बस ऐसे है ना। बीरबल स्माइल्ड, बीरबल मुस्कुराया एंड आंसर्ड, और ये भी उसी के साथ है, जवाब दिया, तो यहां पर भी आंसर्ड सेकंड फॉर्म है, बीरबल मुस्कुराया और जवाब दिया। योर मजेश्री, इसका मतलब महाराज, पनिश हिम, पनिश हिम यानी उसे सजा दो, पनिश उसे सजा दो। शावरिंग अफेक्शन, शावरिंग है ना, शावर, शावर कर देना, शावरिंग अफेक्शन, अफेक्शन स्नेह, प्यार को शावरिंग अफेक्शन बोलते हैं, तो शावरिंग अफेक्शन यानी कि स्नेह की बरसात कर दो, प्यार की बरसात कर दो। एंड गिव हिम लॉट्स ऑफ स्वीट्स टू ईट, और गिव हिम और उसे दो, लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारे स्वीट्स, मिठाइयाँ टू ईट, खाने के लिए। अब बताइए अकबर का कोई मूंछ खींच रहा है तो सबने ऐसे ऐसे सजा बोली, या बीरबल बोल रहा है कि उस पर प्यार की शावर कर दो, बरसात कर दो, स्नेह की बरसात कर दो, और उसे खाने के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ दो। अब एंडिंग होने वाला है। एवरीबडी यानी हर कोई, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट यानी के सिवाय, के बजाय, के अलावा, उसे एक्सेप्ट कहते हैं। हर कोई अकबर के बजाय, अकबर के सिवा हर कोई वॉज यानी था शॉक्ड, हैरान था, चकित थे, अकबर के सिवा बाकी सब हैरान थे। टू हियर दिस, ऐसा सुनकर कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, अकबर की मूंछ खींचेगा कोई और उसे मिठाई दो, प्यार दो। देन अकबर आस्क्ड, तब अकबर ने पूछा, देखिए क्वेश्चन मार्क है तो पूछा, व्हाट मेक्स यू से दैट, ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि व्हाट मेक्स यू से दैट, इसका मतलब कैसे यूज करते हैं, क्या सोचकर तुम यह कह रहे हो, इस प्रकार का यूज हम बोलते हैं ना, हम ये सेंटेंस यूज करेंगे, व्हाट मेक्स यू से दैट, यानी ऐसे, देखिए यहां पर भी पॉजिटिव वर्ब्स का यूज हो रहा है ना, ऐसे तुम्हें सोचने पर कौन मजबूर करता है, कौन करता है, ये इस टाइप का, या फिर क्या सोचकर तुम यह कह रहे हो, क्या सोच के तुम ऐसे कहते हो, ये सब सेंटेंस के लिए भी हम इस प्रकार का यूज करते हैं, व्हाट मेक्स यू से दैट, ठीक है, क्या सोचकर तुम यह कहते हो कि भाई ऐसे करना है। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, रिप्लाई कैसे करना, रिप्लाइड जवाब दिया। एक्सेप्ट योर ग्रैंड चिल्ड्रन, एक्सेप्ट फिर एक्सेप्ट के अलावा, के बजाय, योर ग्रैंड चिल्ड्रन आपके पोते पोतियां, ग्रैंड चिल्ड्रन बोलते हैं, आपके पोते पोतियों के अलावा, हु एल्स कैन डेयर टू पुल योर मस्टैश, ठीक है, क्लियर है कि
आपके पोते पोतियों के अलावा और किसकी हिम्मत है आपकी मूंछ खींचने की? ठीक है, क्लियर है? और किसकी हिम्मत हो सकती है ना, और किसकी, और कौन हिम्मत कर सकता है? कैन डेयर, हु एल्स का मतलब क्या होता है? और कौन, और कौन, और किसकी हिम्मत हो सकती है आपकी मूंछ खींचने की आपके पोते पोतियों के अलावा? इसलिए वो बोल रहे थे कि भाई सबको अलग, कोई ये सोच ही नहीं पाया। बीरबल ने ऐसे सोचा कि भाई मूंछ तो केवल जो बच्चे होते हैं ना उनको क्या समझ है, दादा दादी है या फिर कोई भी है उनके बाल खींच रहे हैं, दादा है तो मूंछ खींच रहे हैं, तो बच्चे ही ये सब कर सकते हैं। इसलिए उसने ऐसे जवाब दिया। देखिए, अकबर स्माइल, अकबर मुस्कुराया, फॉर ही न्यू बीरबल वॉज स्पीकिंग द ट्रूथ, फॉर ही न्यू, क्योंकि वो जानता था, है ना, क्योंकि वह जानता था। बीरबल वॉज स्पीकिंग, बीरबल बोल रहा था, द ट्रूथ यानी सच, बीरबल सच बोल रहा था, वो जानते थे कि हाँ ये इसने सच कहा कि केवल मेरे जो पोते पोती हैं उनकी ही हिम्मत हो सकती है और वही लोग ही मेरे मूंछ को खींचने की हिम्मत करते हैं और किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। तो सबसे सजा पूछी, सबने ऐसे कटवा दो तो क्या वो अपने पोते पोतियों का हाथ कटवा सकते हैं? क्या उसे हाथी के नीचे कुचलवा सकते हैं? क्या उन्हें मौत के घाट उतरवा सकते हैं? नहीं, जबकि उनकी हिम्मत है मूंछ खींचने की। वही पूछे थे किसकी, अगर किसी की हिम्मत होती है मेरी मूंछ खींचने की तो क्या सजा देनी चाहिए। तो अब देखिए, बाकी सबकी बात यहाँ पे गलत हो गई, बीरबल की बात सही हो गई। तो भाई ये थी आज की फनी स्टोरी, बहुत ही अच्छी स्टोरी। और यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, शॉर्ट स्टोरी थी, जो बिगनर लेवल के हमारे जो लर्नर हैं, जो स्टूडेंट हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके लिए मैं ऐसे शॉर्ट वीडियो भी लेकर आता हूँ जिन्हें एक एक चीज़ डिटेल में समझाता हूँ। और जो अभी थोड़े से एडवांस लेवल के हो चुके हैं जिन्हें हर चीज़ अब समझ आने लगा है, वो लोग तो मेरे से पहले ही पहले कमेंट कर देते हैं, पहले से वो लोग सब चीज़ जान जाते हैं। तो ये मेरे लिए अच्छी बात है कि आप लोग सीख रहे हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF भी आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, अभी 2-4 दिन से दिया नहीं हूँ, सब स्टोरी का दे दूंगा। आप लोग फिर से ट्रांसलेशन करके देखिए कि आप कितना सीखे हैं, क्या क्या अभी आपको प्रॉब्लम आ रही है, वो लोग आप कमेंट फिर करेंगे। यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने सोचा था भगवान श्री कृष्ण की कोई स्टोरी लाऊंगा, लेकिन आज मंदिर गया था, बहुत ज़्यादा लाइन लगी थी, भीड़ थी, तो इसलिए मैं स्टोरी ला नहीं पाया। और स्टोरी बहुत लंबी भी होती है, मैंने बहुत सारी स्टोरी पहले बना चुकी है, तो यही एक शॉर्ट स्टोरी मुझे मिली तो मैंने बना दिया। तो लेकिन आप सभी को भगवान श्री कृष्ण, जो उनका जन्मोत्सव है, जन्म हुआ था उनका, तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आप सभी का भला करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद।